नमस्ते प्रिय छात्र, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? कक्षा 5 विषय हिंदी इकाई 3 नन्ना मुन्ना राही हूँ, इसका दूसरा भाग बराबर है। पहले भाग में हमने पूरी कविता का राग सुन लिया, सीख भी लिया और उसका भावार्थ भी समझ लिया कि इस काव्य में कवि क्या कहना चाहते हैं। बराबर है, यह जो कविता है वह शकील बदायूनी जी द्वारा लिखित है। बराबर हमने शब्दार्थ भी देखे थे कि नन्हा माने छोटा, धूप माने गुजराती में उसे कहेंगे हम तड़को, राही मानी मुसाफिर यात्री, सिपाही तो सैनिक, वतन तो देश, जन्मभूमि मंजिल तो लक्ष्य ध्येय, चलन तो व्यवहार आचरण, दम तो सांस, बम तो विस्फोटक पदार्थों का बना हुआ गोला, कदम पैर, मुहावरे है आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। तो आपको अपनी फेयर बुक में ये पूरी कविता लिखनी है, उसके बाद शब्दार्थ लिखने हैं, मुहावरे लिखने हैं। अब हम अभ्यास की चर्चा करेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है कि उत्तर दीजिए, ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि ऐसे कार्य जो मैं देश सेवा के लिए करना चाहता हूँ, तो पहला कार्य है कि मैं किसी से झगड़ा या गाली गलौज नहीं करूँगा, किसी से दुश्मनी नहीं करूँगा। दूसरा हम कह सकते हैं मैं कूड़ेदान में ही कचरा डालूँगा। तीसरा हम कह सकते हैं कि मैं बिजली की बचत करूँगा। चौथा हम कह सकते हैं मैं पानी की बचत करूँगा। और पाँचवा हम कह सकते हैं कि मैं अच्छी तरह से पढ़ाई करूँगा। इसके आगे भी ऐसे कई कार्य हैं जो हम देश सेवा के लिए करना चाहेंगे, तो वो आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते? बराबर इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि अगर मैं सिपाही होता तो पहला, डटकर सरहदों की रक्षा करता। दूसरा, किसी भी मुसीबत में राष्ट्र का द्रोह न करता। तीसरा, आपत्ति के समय मेरे प्राण भी दे देता। अगर मैं सिपाही होता तो ये करता। इसके अलावा आपके मन में जो भी नए विचार आए वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या क्या सोचता होगा? बराबर है, तो लड़ते लड़ते घायल होने वाला सैनिक सोचता है कि मैं घायल न होता तो अंत तक जूझता रहता। मेरे साथ दूसरा वह सोचेगा कि मेरे साथी सैनिक मेरे घायल होने से पिघल न जाए या पीछे हट न कर जाए तो अच्छा होगा। तो एक घायल सैनिक लड़ते लड़ते यह सोचेगा। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई उत्तर आते हैं तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न है, हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं, इसके रंगों के अर्थ बताओ। तो इसके उत्तर में हम कह सकेंगे, हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें तीन रंग है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। हरा माने ग्रीन, जिसे गुजराती में हम कहेंगे लीलो। केसरिया रंग वीरता और बलिदान का, सफ़ेद रंग शांति का और हरा रंग हरियाली व समृद्धि का प्रतीक है। बराबर है बच्चों? इस प्रकार चारों प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी फेयर बुक में लिखने हैं। अब दूसरा प्रश्न है, इस गीत में बच्चे द्वारा देश सेवा के लिए कुछ काम करने की भावना व्यक्त हुई है, गीत पढ़कर बताओ कि क्या होगा जब पहला, बच्चा धूप में पसीना बहाएगा। तो इसका उत्तर होगा, तो खेत हरे भरे हो जाएंगे और फसल से लहलहा उठेंगे, देश समृद्ध हो जाएगा। दूसरा, दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे। तो इसका उत्तर होगा, तो दुनिया में शांति बनी रहेगी और किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तीसरा प्रश्न, बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा। तो इसका उत्तर होगा, तो
तो उसे मंजिल अवश्य प्राप्त होकर ही रहेगी, वह आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। चौथा, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे तो दुष्कर्म खत्म हो जाएंगे और धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। इस प्रकार चारों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तीसरा प्रश्न है, गीत में एक पंक्ति है, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। यह एक नारा है जो हम कई अवसरों पर बोलते हैं। सोचो और बताओ, तुमने यह नारा, पहला प्रश्न, तुमने यह नारा किस अवसरों पर बोला है? बराबर, तो हम कह सकते हैं हमने यह नारा 15 अगस्त माने स्वतंत्र दिन, 26 जनवरी माने प्रजासत्ताक दिन, गांधी जयंती, शहीद दिन आदि अवसरों पर यह नारा हमने बोला है। दूसरा प्रश्न, इस नारे के अलावा आप और कौन कौन से नारे बोलते हैं? तो हम कह सकते हैं कि इस नारे के अलावा हम जय जवान, जय किसान, आज़ाद हिंद जिंदाबाद, गांधी जी अमर रहो, आधी रोटी खाएंगे, देश को बचाएंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, बराबर है, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान आदि नारे बोलते हैं, बराबर है बच्चों। इसके बाद चौथा प्रश्न है, इस गीत में बच्चे ने अपने आप को देश का सिपाही बताया है, तुम भी बड़े होकर ना कुछ बनना चाहते होंगे, बताओ बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? तो बच्चों, मैं तो शिक्षक हूँ तो मैं अपना जवाब ऐसे दूंगी कि मैं बड़े होकर शिक्षक बनना चाहती हूँ। तो बच्चों, आप बड़े होकर जो भी बनना चाहते हैं चाहते हो उसका उत्तर आपको यहाँ लिखना है। और दूसरा प्रश्न है, क्यों बनना चाहते हो? बराबर, तो एक शिक्षक बनना चाहता है वो उत्तर देगा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर अच्छे नागरिक बनाना चाहता हूँ जिससे देश हर दिशा में प्रगति करता रहे। बराबर, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप सैनिक बनना चाहते हैं, आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, तो आप वो क्यों बनना चाहते हैं इसका उत्तर आपको यहाँ दूसरे प्रश्न में लिखना है। बराबर है, अब है स्वाध्याय। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? तो उसका उत्तर होगा, धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहला उठेंगे। दूसरा प्रश्न, दुनिया की आँखों का तारा कौन बनेगा? तो उत्तर, नन्ना मुन्ना राही सिपाही बनकर दुनिया की आँखों का तारा बनेगा। तीसरा प्रश्न, नन्ना राही सबको क्या सिखाएगा? उत्तर, नन्ना राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। चौथा प्रश्न, नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? तो उत्तर होगा, नन्हा राही दुनिया में बम नहीं गिरने देगा। देश का सिपाही कौन है? तो नन्हा बालक देश का सिपाही है। छठवां प्रश्न, नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? उत्तर, नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर सीना तान कर चलेगा। उसके बाद है, निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। तो बच्चों आप देख सकते हैं, बराबर है, यहाँ सब जवाब भी साथ में दिए गए हैं विलोम शब्द के साथ भी, बराबर है। तो मैं बोलती जाऊंगी, पहला शब्द है आगे, तो उसके बाजू में जो शब्द दिए गए हैं आगे तो पीछे, उसके बाद दाया तो बाया, उसके बाद है धरती, नीचे आप देखिए धरती, तो धरती का होगा आकाश, धरती तो ऊपर आकाश, उसके बाद है बड़ा, तो बड़े का अर्थ होगा छोटा। यहाँ एक बाजू विरोधी दिए गए, उसके इस बाजू आप देख सकते हैं कि यहाँ बाई ओर शब्द दिए गए हैं और दाई ओर उसके जवाब है, जो क्रम में नहीं है आपको क्रम में लगा कर लिखने हैं, बराबर है। उसके बाद है बड़ा, तो बड़े का विरोधार्थी होगा छोटा। उसके बाद है धूप, तो धूप का होगा छांव।
फिर उसके बाद है ऊंचा, तो उसका विलोम होगा नीचा। इस प्रकार इसमें ही इन शब्दों में ही आपको उत्तर दिए गए हैं, उसका आपको अर्थ विरोधी लिखना है, बराबर है। उपर्युक्त विलोम शब्द आधारित वाक्य बनाने हैं। कैसे वाक्य बनाएंगे देखो हम, कि आगे तो पीछे, तो उदाहरण दिया गया है कि सब बच्चे आगे चले जा रहे थे, कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहता, बराबर। उसी प्रकार यहाँ सबके मैं विरोधी बोलती हूँ, आप सुन लीजिएगा। पहला है बड़ा और छोटा, तो उसका वाक्य बोल रही हूँ, मेरा बड़ा भाई किसान है, मेरा छोटा भाई डॉक्टर है। उसके बाद दूसरा है दाया बाया, तो अशोक का दाया पैर जख्मी है, अशोक का बाया पैर अच्छा है। धूप और छाँव, धूप में पसीना निकलने लगता है, छाँव में शीतलता मिलती है। चौथा है धरती और आकाश, धरती में पौधे उगते हैं, आकाश में बादल होते हैं। उसके बाद है ऊंचा नीचा, तो नारियल का पेड़ ऊंचा होता है, फिर नीचा, तो तुलसी का पौधा नीचा होता है। इस प्रकार बच्चों आपको यहाँ जो विरोधी शब्द है उसके वाक्य प्रयोग भी करने हैं, बराबर है। अब है नीचे दिए गए प्रश्नों के, प्रश्न तीन है, नीचे दिए गए प्रश्नों के शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द सामने दिए गए हैं। यहाँ जो येल्लो कलर का पीले कलर का घेरा बनाया है उसमें पर्यायवाची शब्द सामने दिए गए आयत में से ढूंढ कर लिखने, यहाँ जो आयत दिया गया है उसमें से ढूंढ कर लिखने हैं। तो राही, तो राही शब्द का अर्थ होगा मुसाफिर और पंथी। तो देखो यहाँ मुसाफिर है और पंथी, जो अंतिम शब्द है सैनिक और पंथी, वहाँ पंथी लिखा है, तो राही का अर्थ होगा मुसाफिर और पंथी। फिर है सिपाही, तो सिपाही का अर्थ होगा फौजी और सैनिक। आप देख सकते हैं पहले ही शब्द में फौजी और अंत में लिखा है सैनिक, बराबर। फिर है धरती, तो धरती का अर्थ होगा पृथ्वी और धरा। तो आप देख सकते हैं कि दूसरे शब्द में यहाँ धरा है और वह अंत में चौथा है पृथ्वी, बराबर। तो यहाँ धरती का अर्थ होगा धरा और पृथ्वी। फिर रास्ता दिया गया है, तो रास्ता का पर्यायवाची होगा पंथ और राह। तो आप देख सकते हैं पहले शब्द में राह लिखा है और तीसरे शब्द में पंथ लिखा है, तो राह और पंथ रास्ते शब्द का पर्यायवाची होगा। और आखिरी है मंजिल, तो आप देख सकते हैं कि तीसरे में लक्ष्य और चौथे में ध्येय लिखा है, तो लक्ष्य और ध्येय मंजिल शब्द का पर्यायवाची होगा। अब ढूंढ कर लिखिए, तो आपको ये पर्यायवाची शब्द यहाँ ढूंढ कर लिखने थे। अब उसके बाद चौथा प्रश्न है, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो पहला वाक्य है धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, तो उसका उत्तर होगा पृथ्वी ऊपर पापी जन्म लेशे नहीं। दूसरा वाक्य है बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे, तो बाळको रस्ता ऊपर डरिया वगर चाली शकशे। तीसरा है मैं देश का सिपाही हूँ, तो उसका गुजराती होगा हूँ देशनो सैनिक छू। चौथा वाक्य है दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा, तो उसका उत्तर होगा दुनिया में क्या पण बॉम्ब नहीं पड़शे। पांचवा, हमारे देश का नाम भारत है, तो उसका गुजराती होगा अपना देशनू नाम भारत छे, बराबर छे बाळको। अब पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियाँ कविता में से ढूंढ कर लिखिए, बराबर। तो पहला वाक्य है नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा, तो उसका उत्तर होगा रास्ते पे चलूगा ना डर डर के, बराबर है बच्चों। उसके बाद दूसरा है
नना राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा, तो मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम। उसके बाद तीसरा है, नना राही सबका प्यारा बनेगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। चौथा है, हमारा देश शांति प्रिय है, शांति की नगरी है मेरा ये वतन। इस प्रकार चारों पंक्तियाँ यहाँ आपको लिखने हैं। उसके बाद छठा प्रश्न है, उचित शब्द चुनकर वाक्य में चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लड़के खेल तो क्या है, रहा है कि रहे हैं, रहे हैं, बहुवचन है इसलिए रहे हैं। दूसरा, खाली जगह क्रिकेट खेलता हूँ तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसमें मैं आएगा क्योंकि एक वचन है। आप कहाँ जा रहे हैं, बराबर है, तो इसका जवाब आएगा है, बराबर है। दो प्रकार के हैं, इसमें एक में विसर्ग लगा है जिसमें दूसरे में नहीं लगा है, माने टपकू पर टपकू कर बहुवचन होता है। आप कहाँ जा रहे हैं, बराबर है, तब उसमें पहला है आएगा। चौथा, किताब खाली जगह किताबों में से आपकी किताब कौन सी है, इन किताबों में से, बराबर है। इसके बाद आएगा हम, खाली जगह पढ़ते हैं कि पढ़ता है, हम पढ़ते हैं, हम बहुवचन है इसलिए पढ़ते हैं। अब इसके बाद बच्चों तो बच्चों अब सातवां प्रश्न है, कविता के आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। तो आज इस वीडियो में हम प्रश्न 6 तक ही रखते हैं, आगे के वीडियो में हम प्रश्न 7, 8 और 9 की चर्चा करेंगे। तो आपको अपनी फेयर बुक में कहाँ से लिखना है, यहाँ पहले से ही लिखना है, काव्य लिखना है, फिर शब्दार्थ लिखने हैं, मुहावरा भी लिखना है, अभ्यास के चारों प्रश्न लिखने हैं, अभ्यास के चारों चार प्रश्न लिखने हैं, फिर स्वाध्याय का भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा प्रश्न है, वो सभी प्रश्न आपको अपनी फेयर बुक में लिखने हैं। तो जब तक आगे का वीडियो ना आए तब तक आप अपनी फेयर बुक में आपका ये होमवर्क कर लीजिएगा। बाय बाय, घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।